अरवल के कलेर में राजद और भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने NH 139 को बंद कर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी वाहनों को छूट दी। वहीं अरवल के विधायक महानंद सिंह ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि किसान ठंड के मौसम में कई दिनों से सरकार द्वारा लाए गए इस काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देख रहे हैं कि किसान लोग करीब एक हफ्ता से पूरे आंदोलन में लगे हुए हैं। अब तीन काला कानून जो लागू किया गया है कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, तीन काला कानून वापसी के सवाल पर किसान डटे हुए हैं और सरकार जो है किसानों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। उनको सड़क काट करके किस तरह से रोकने की कोशिश किया गया है और किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। पूरे आज भारत बंद है कि जब तक तीनों काला कानून, कृषि का तीनों काला कानून वापस नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क को बंद करके कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार इस कानून को वापस ले।